दुर्ग के गंजपारा में बांदा तालाब स्थित प्रांगण में जैन धर्म गुरु की 122वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। 9 दिवसीय कार्यक्रम के आखिरी दिन में भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कि हजारों की संख्या में जैन समाज के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस आयोजन में जैन धर्म गुरु ने विशेष रूप से प्रवचन किया। अपने इस प्रवचन का उद्देश्य उन्होंने समाज में अहिंसा एवं सेवा का अधिक से अधिक प्रचार होना बताया है। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए धर्मगुरु एवं आयोजनकर्ताओं ने मीडिया को जानकारी दी। आनंद ऋषि जी महाराज की 122वीं जन्म जयंती देश भर के अनेक श्रद्धालुओं की उपस्थिति में मनाई गई। यह हमारा सौभाग्य रहा कि हमें उस महापुरुष के सानिध्य में नजदीक में रहने का अवसर मिला। मुझे यह जैन दीक्षा भी उन्हीं के द्वारा प्राप्त हुई। ऐसे राष्ट्रसंत आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज, जिन्होंने मात्र 13 वर्ष की उम्र में जैन दीक्षा स्वीकार की और पूरे देश भर में करीब 10 से 11 प्रांतों में हजारों मील की पैदल यात्रा करके जन जन को अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह की शिक्षाएं दी, उसमें आगे बढ़ाया, सच्चे जैनत्व का परिचय कराया। जैन वह जिसके मन में करुणा, जिसके वाणी में सामंजस्य और जिसके व्यवहार में समता होती है। पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने अपने जीवन काल में यही कार्य संपन्न किया। उनकी साधना इतनी गहरी और इतनी उत्कृष्ट थी कि उनके संपर्क में आने वाला, उनके समक्ष आने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वयमेव अपने मन की समस्याओं का समाधान पा लेता था। वह दुखी अंतकरण से यदि आया है तो मुस्कुराता हुआ प्रसन्न होकर के जाता था। ऐसा आभा मंडल, ऐसे साधना का प्रभाव पूज्य आचार्य भगवान का था और उन्हीं की जन्म जयंती को आज यहाँ पर मनाया गया। आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जन्म जयंती 122वीं जन्म जयंती 9 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में आज अंतिम दिवस गुणानुवाद सभा, साथ ही साथ 3 समयिक एम्बिल तप के रूप में हम यहाँ पर मनाए और सानिध्य आज था युवाचार्य भगवान महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब का, छत्तीसगढ़ प्रवक्तक रतन मुनि जी महाराज साहब, परम पूज्य उप प्रवक्ता जी महाराज साहब के सानिध्य में आज हम उनकी जन्म जयंती का कार्यक्रम यहाँ पर मनाए। इसका उद्देश्य ये, उनकी जो जीवन गाथा है, उनकी जीवन गाथा निश्चित रूप से हम 9 दिन से यहाँ पर युवाचार्य भगवान के मुखारबंद से सुन रहे थे और उनकी जीवन गाथा अगर कोई अगर सुन ले तो निश्चित ऐसा लगता है कि उनके जीवन के जो पल जो उनके साथ जो बीते हैं उनको अपने जीवन में उतारें। समाज को संदेश यही देना चाहते हैं कि उनका जो जीवन जो है, जिन्होंने ऐसा जीवन जिया है, उनके जीवन से अगर कुछ अगर मिल जाए, यही हम देना चाहते हैं समाज को संदेश। आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जन्म जयंती 122 आज हम देश भर से आए लोगों के साथ यहाँ मनाए हैं। यह जन्म जयंती उनके तरलता और सादगी के कारण से मनाया जाता है और वे बहुत बड़े आचार्य हैं, तो उस कारण उनको आचार्य सम्राट की पदवी मिली हुई है।